अगर दिलबाग को दिल्लू बोलना होगा मैं बोल दूंगा कि मैं दिल्लू को दिलबाग को दिल्लू बोला हूँ, ठीक है, तभी खत्म हो गई। आप लोग मेरे खिलाफ पर्चा लगाए 3 साल पहले, आप लोग मेरे खिलाफ पर्चा लगाए 3 साल, 3 SSP आए श्रीनगर में, कितने SHO आए, कितने SDPO आए आपको पता है, ADG वहां पे बैठे हैं, DG तो एक ही है ना, 2020 में पर्चा लगाए थे, पुलिस वाले अभी तक मेरे पास आए ही नहीं है। विवादों और सुर्खियों में रहने वाले निलंबित IPS बसंत रथ एक बार फिर सुर्खियों में है। हालांकि वो अपने बेबाक बयानों और बेबाक जिस तरह से वो पोस्ट डालते हैं अपने सोशल अकाउंट्स पर, सोशल साइट्स पर, उसको लेकर वो चर्चा में तो रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपना एक वीडियो अपनी सोशल साइट पर अपलोड किया है, और वो वीडियो अगर आप सुनेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि बसंत रथ और DGP दिलबाग सिंह के बीच में किस तरह की अदावत चल रही है। हालांकि कुछ दिन पहले हमने एक खबर चलाई थी और उसके बाद हमने बकायदा ये कह दिया था अपनी रिपोर्ट में कि अब आने वाला वक्त बताएगा कि दोनों की तरफ से किस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं इस खबर के बाद। और बसंत रथ ने अपना एक जो नजरिया था वो उन्होंने अपने वीडियो के जरिए बता दिया, और DGP दिलबाग सिंह के खिलाफ जमकर वो बरस रहे हैं, उन पर इतने ज्यादा गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि अब सोचिए कि एक निलंबित IPS ऑफिसर अपने ही बॉस पर किस तरह के आरोप लगा रहा है, और अगर वो DGP पर आरोप लगा रहा है तो सोचिए जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच में क्या चल रहा होगा। बसंत रथ का ये वीडियो ये भी बयां कर रहा है कि ड्रग्स को लेकर उन्होंने जो सवाल उठाए हैं क्या वो सवाल संजीदा नहीं है, और दूसरा ये कि इस निलंबित ऑफिसर पर इतने आरोप लग रहे हैं कि कोई भी इस पर बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि ये अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं, इन्होंने अपना इस्तीफा दिया हुआ है, लेकिन होम मिनिस्टर जो होम मिनिस्ट्री है वो इनका इस्तीफा बकायदा स्वीकार नहीं कर रही है। हालांकि इनका निलंबन जो है वो 6 महीने और बढ़ा दिया है, और उन्होंने साफ कहा है कि मैं छोड़ूंगा नहीं। तो आखिर क्या है बसंत रथ में ऐसा, हालांकि वो अपने जो उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो उसमें उन्होंने बिल्कुल ईमानदारी से वो निभाए। याद करिए उस दौर को, 2017-18 का वो दौर, 18 का वो दौर, जब बसंत रथ यहाँ पर IGP ट्रैफिक बनकर आए थे, और उससे पहले जम्मू कश्मीर की आवाम किस तरह से ट्रैफिक से जूझ रही थी, और आते ही उन्होंने ऐसे आयाम पेश किए जो मिसाल बनकर रह गए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया बसंत रथ का मिजाज भी बदलता गया, और वो आपने देखा होगा कि किस तरह से उनका अभद्र व्यवहार जो था वो लोगों के साथ देखने को मिला। जम्मू में तो मिला, कश्मीर में भी उन्होंने लोगों को नहीं बख्शा। हालांकि कश्मीर में उन्हें बहुत ज्यादा लोगों की तरफ से प्यार भी मिला, वो बुक बाबा के नाम से भी जाने गए, लेकिन उनका जो एक व्यवहार था वो हमेशा सवालों के घेरे में ही रहा है। किसी का मोबाइल फेंक देना, यहां तक कि महबूबा मुफ्ती जब मुख्यमंत्री थी तो उनके जो मीडिया एडवाइजर थे उसकी फैमिली के साथ अभद्र इन्होंने व्यवहार किया था, गालियां तक निकाली थी। ये बकायदा उस मीडिया एडवाइजर जो है उन्होंने सोशल मीडिया पर यह बकायदा पोस्ट डाली थी और कहा था कि ऐसा व्यक्ति जो है वो पुलिस में है। और दूसरा ये कि अगर उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने का एक अर्जी डाली हुई है तो स्वीकार क्यों नहीं की जा रही, या फिर विभाग डर रहा है, गृह मंत्रालय डर रहा है कि इसके पास कहीं ऐसे कोई राज तो नहीं है कि अगर इसको हमने निलंबित इसका इस्तीफा स्वीकार कर दिया तो ये और राज खोल देगा। क्या है ऐसा बसंत रथ में, तुनक मिजाजी, बदतमीजी, बड़बोलापन, ये सब इनकी खूबियां हैं।
आपने देखा होगा कई वीडियो इनके वायरल हुए थे जम्मू में, किस तरह से लोगों के साथ, बुजुर्गों के साथ, महिलाओं के साथ इन्होंने अभद्र व्यवहार किया। घाटी में भी देखिए किस तरह से ये वहां पर पेश आए थे। तो क्या है ये? हालांकि जब इनके काम जबरदस्त हुए थे तो इनकी तारीफ भी हुई थी, लेकिन फिलहाल इनका जो वीडियो है वो एक बार फिर सुर्खियों में है और निशाना एक बार फिर दिलबाग सिंह जी पर लगाया है। और अब देखना यह है कि आगे की क्या इसमें कार्रवाई होती है, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि एक्सटेंशन जो खेला जा रहा है वो मैं होने नहीं दूंगा। तो क्या अधिकारियों को यहां पर एक्सटेंशन मिलने वाला है, ये उन्होंने संकेत दिया है। तो क्या दिलबाग सिंह जी को एक्सटेंशन मिलने वाला है? क्या कोई अजय जी का भी इन्होंने नाम लिया है इस वीडियो में और ये वीडियो वायरल हो रहा है? तो सब कुछ इतना हो रहा है, आपकी पुलिस को बदनाम किया जा रहा है और पुलिस के हेड को, जो बॉस है यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के, उन पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं। तो ऐसा क्या है बसंत रथ में? खैर, आप इस वीडियो को देखिए और सवाल हम जनता पर छोड़ते हैं कि ऐसे ऑफिसर पर क्या एक्शन होना चाहिए। और दूसरा ये कि अगर पुलिस अपने ही ऑफिसर को संभाल नहीं पा रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस, तो फिर यहां पर जो क्राइम बढ़ रहा है उस पर कैसे रोक लगाएगी? तो हम आपको इस वीडियो के साथ छोड़े जा रहे हैं। भारत के यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला, आईएएस अजय सर, ये आपके लिए वीडियो है। और जो आपका पंजाब का दोस्त है ना, जो यहाँ पे बैठा है, दिलबाग सिंह आईपीएस सन ऑफ बलबीर सिंह, पिछले 3 साल से 4 साल से डीजी बने, आप दोनों के लिए मैसेज है। मेरा नाम है बसंत, मैं रमा का बेटा हूँ, रमामणि रथ मेरी मम्मी, पापा का नाम गूगल कर लेना, मेरा मम्मी का नाम है रमा। रमा का बेटा झूठ नहीं बोलता है। मैं ये यूनिवर्सिटी के सामने खड़ा हूँ, ठीक है? आप सुन लेना अजय और दिलबाग, अच्छे से सुन लेना। अगर दिलबाग को दिल्लू बोलना होगा, मैं बोल दूंगा कि मैं दिलबाग को दिल्लू बोला हूँ, ठीक है? तभी खत्म हो गई। आप लोग मेरे खिलाफ पर्चा लगाए 3 साल पहले। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि दिलबाग सिंह एक क्रिमिनल है? आप लोग मेरे खिलाफ पर्चा लगाए 3 साल। 3 SSP आए श्रीनगर में, कितने SHO आए, कितने SDPO आए, आपको पता है? ADG वहां पे बैठे हैं, DG तो एक ही है ना, 2020 में पर्चा लगाए थे। पुलिस वाले अभी तक मेरे पास आए ही नहीं है। मैं ईमेल किया हूँ, मैं ADG कश्मीर, SSP श्रीनगर, DIG श्रीनगर को ईमेल कर करके थक गया कि भाई साहब मुझे स्टेटस बताओ। मैं अक्यूज हूँ, और एक्यूजेशन क्या है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं एंटी इंडियन हूँ। अजय सर एक बात बताओ, IB मेरे खिलाफ 2018 में गवर्नमेंट ऑफ JNK को बोला था कि इसके खिलाफ कार्रवाई करो, ये जो लिखता है ये सेडिशन होता है। आप मैट्रिक कैसे पास किए? आप मैट्रिक पास किए हो? अपना सर्टिफिकेट दिखाओ तो। आप एक्सटेंशन ले रहे हो बैठ के यूनियन होम सेक्रेटरी। दिलबाग, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। दिलबाग जी एक बात बताओ, आप 4 साल से बैठे हो, जम्मू में उड़ता जम्मू बनाओगे? उड़ता पंजाब तो हो गया, आप तो पंजाब से आए हो। ड्रग माफिया चल रहा है यहाँ पे, अगर आप मुलाबस नहीं हो तो ड्रग का, नशा का सिलसिला खत्म क्यों नहीं हो रहा है? कश्मीर से आ रहा है पंजाब के लिए, पाकिस्तान से आ रहा है, हो सकता है पंजाब से भी आता होगा जम्मू में। आप लोग कर क्या रहे हो? लखनपुर से लेके टिटवाल तक हाईवे में SHO आपके लगे हैं। होम सेक्रेटरी भारत यहाँ का JNK का, वो आपके खिलाफ एक कागज निकल दिया, वो कागज कायदे से आपके खिलाफ है। कहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई साहब होम सेक्रेटरी जो है, होम डिपार्टमेंट, DSP लगाता है? आपको बुरा नहीं लगा? आपको शर्म नहीं आया? तो दिलबाग ब्रो, मैं ये बोल रहा हूँ, ये मेरा हाथ टूटा हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ। बसंत रथ अपने बाप से भी नहीं डरता। बाप मतलब पापा, मेरा मूड अच्छा है इसलिए मैं बाप बोल रहा हूँ। तो आप एक्सटेंशन लो, आप गवर्नर बन जाओ, आपको मुबारक हो। आपको मैं 3 चीज बोल रहा हूँ। मैं आपको ईमेल करता हूँ, आप जवाब नहीं देते।
मैं आपको मेडिकल लीव मांग रहा हूं, आप एक महीने के बाद जवाब देते हो। इंक्वायरी स्टार्ट किए, एक्सटेंशन खेल रहे हो। अभी तक कोई इंक्वायरी ऑफिसर मुझे ढूंढ ही नहीं रहा है। अगर मैं बदतमीजी किया हूं तो किया हूं यार, सरी बोला दिलबाग, सरी बोल रहा हूं मैं, नहीं बोल रहा हूं। बसंत रथ रमा का बेटा सरी नहीं बोलता है। आप कितने ऑनेस्ट हो, कितना पैसा कमाए हो, वो बाद में बात करूंगा। मैं तीन चीज आपको बोल रहा हूं, तीन स्पेसिफिक एलिगेशन। ड्रग माफिया चल रहा है जम्मू में, श्रीनगर में, कश्मीर में, बच्चों का हालत खराब हो रहा है। मैं यूनिवर्सिटी के सामने बोल रहा हूं, जो बच्चे यूपीएससी दे रहे हैं, बाबा लोग आप यूपीएससी दो, लेकिन दिलबाग सिंह की तरह नहीं बनना है। नागर सिंह से मुझे खतरा है, दिलबाग सिंह से मुझे खतरा है। अभी तक कोई भी पुलिस वाला मेरा ईमेल का जवाब नहीं दे रहा है। सॉरी मैं चिल्ला के बोल रहा हूं, दिलबाग साहब मेरा आपके खिलाफ कुछ नहीं है। यू आर नॉट ए बिग मैन, आई एम ए बिग मैन, बसंत रथ इज ए बिग मैन। आईपीएस में रह के ओडिशा से आके आईजी ट्रैफिक डाउनटाउन श्रीनगर में क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट ऐसे खेलते हैं। उमरान मलिक को मैं खेला हूं भाई साहब, उमरान मलिक को पूछ लेना। पेस बोलिंग खेलता हूं, स्पिन नहीं खेलता हूं मैं। तो कहानी ये है दिलबाग साहब, आप यू आर रनिंग ए क्रिमिनल सिंडिकेट, प्लीज फाइल ए डिफेमेशन अगेंस्ट मी। थैंक यू। मैं प्रेसिडेंट साहिबा को बोल दिया हूं कि मुझे नौकरी से डिसमिस करो, ठीक है। मैं अपनी मम्मी का बेटा हूं, मेरी मम्मी बोली थी कि तुम जाके जेएनके में, जेएनके के मम्मी लोगों का, माताजी जो है उनका ख्याल रखोगे। मेरी मम्मी बोली थी कि तू मेरा गिफ्ट है, गिफ्ट उपहार वहां के लिए, कहां के लिए, जेएनके के लिए। मैं उड़ीसा वापस नहीं जाऊंगा, मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगा, ठीक है। दिलबाग सिंह साहब मेहरबानी करके मैं आपको दिल्लू जब बोलूंगा बोल दूंगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको दिल्लू नहीं बोल सकता हूं, आप गजब गलत फिल्म में हो। बाबा जाना यार, इंटरव्यू चल रहा है, इतना काफी है आज के लिए। प्लीज फाइल ए डिफेमेशन केस अगेंस्ट मी, नंबर वन, मैं आपको क्रिमिनल बोल रहा हूं। आप यहां पे ड्रग माफिया चला रहे हो, क्योंकि आपकी वजह से ड्रग माफिया बंद नहीं हो पा रहे। बच्चा बच्चा खराब हो रहा है, हमारा फ्यूचर जनरेशन खराब हो रहा है। इतना काफी है, मैं जोर से बोल रहा हूं क्या? मीडिया वाला डर गया, पता है मीडिया वाला डर गया। आप उसको फोन किया, पता नहीं क्या क्यों नहीं किया, मुझे नहीं पता। तो मेरे खिलाफ डिफेमेशन फाइल करो। भारत का महामहिम ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैम को मैं लिखता हूं कि मुझे नौकरी से डिसमिस करो। अजय भला अपना एक्सटेंशन खेल रहा है, अजय सुन रहा है? थैंक यू। दिलबाग हो गया, कहानी खत्म। एक्सटेंशन लो, आई विल मेक योर लाइफ मेजरेबल, इट्स नॉट अ थ्रेट बिकॉज यू हैव मेड माई लाइफ मेजरेबल। क्यों पता है? डीजी हो यार, भाई साहब डीजी हो, यू आर अंडर एन ऑब्लिगेशन टू टेक केयर ऑफ मी। क्या एक्सटेंशन खेल रहे हो? गया, लव यू डार्लिंग।